नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कंटिन्यू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के एमसीक्यूज और उम्मीद करता हूं कि चैप्टर 2, चैप्टर 1, पार्लियामेंट्री कमिटीज, ये सारे एमसीक्यूज आपने जरूर सॉल्व किए होंगे। इसी चैनल में आपको मिलेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैंने एंड किया था और आपसे पूछा था कि भाई इंडिया में पब्लिक फंड्स एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, इस चीज को छोड़ के सीएजी की और क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो सीएजी का मेन काम तो यही होता है ना, ये देखना कि भैया जनता का पैसा सही से सरकार यूज कर रही है या नहीं कर रही है, घोटाला तो नहीं कर रही है। उसके अलावा सीएजी के क्या फंक्शन है। चार स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहला, सीएजी एक्सरसाइजेस एक्सचेकर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों कि भाई प्रेसिडेंट ने अगर नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है तो सीएजी पार्लियामेंट के बिहाफ में मतलब कंट्रोल एक्सरसाइज करेगी। फालतू की बात है। तो ठीक है, सीएजी रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पीएसी। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है। सीएजी की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पे हो या फिर मिनिस्ट्री के किसी प्रोग्राम पे हो, जो भी हो, वो पीएसी डिस्कस करती है। सीएजी की रिपोर्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है, दे कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। बिल्कुल सीएजी की रिपोर्ट का यूज करती है ना भाई सीबीआई वगैरह, कि हाँ सीएजी की ये रिपोर्ट थी, तो बिल्कुल कर सकते हैं उसका। सो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। नाउ व्हाइल डीलिंग विद ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, सीएजी हैज सर्टेन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। चौथा स्टेटमेंट दोस्तों यहां पे गलत है। जुडिशियल पावर सीएजी के पास नहीं होता। सीएजी कोई जुडिशियरी नहीं है, ठीक है। सो चौथा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इज और आर। फाइनेंस कमीशन के क्या फंक्शन है। चार स्टेटमेंट आपके सामने हैं। फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। टू अलाउ द विड्रॉल ऑफ द मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जी नहीं, फाइनेंस कमीशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने के लिए अलाउ, ये उसका फंक्शन नहीं है। टू एलोकेट बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर द शेयर्स ऑफ प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। हाँ बिल्कुल, मेन काम ही फाइनेंस कमीशन का ये होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का पैसा है वो कैसे शेयर हो रहा है, ये एलोकेट करना। टू कंसीडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट्स इन एड फ्रॉम स्टेट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। टू सुपरवाइज एंड रिपोर्ट ऑन वेदर द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर लीविंग टैक्सेस इन अकॉर्डेंस विद द बजटरी प्रोविजन। देखो, राज्य सरकार केंद्र सरकार टैक्स बजट के हिसाब से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब फाइनेंस कमीशन का फंक्शन नहीं होता है। सो इसका करेक्ट आंसर भी होगा बी, दैट इज 2 और 3। क्लास के बाद फाइनेंस कमीशन के बारे में जरूर पढ़ो कि फाइनेंस कमीशन का मेन काम होता क्या है। इज दैट क्लियर। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में मेंशनड है। क्वेश्चन नंबर 8। यूपीएससी, एसपीएससी, जेएसपीएससी एंड सीएजी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। देखो, यूपीएससी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एसपीएससी भी है, सीएजी भी है, जेएसपीएससी यानी कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यानी कि जेएसपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जेएसपीएससी जो है, अगर किसी भी दो स्टेट्स के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा तो वो लॉ द्वारा बनाया जाएगा, पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा बनाया जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट यहां पे गलत है। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी विच इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 ओनली। मतलब 26 जनवरी 1950 की डेट में अगर कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो सिर्फ वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाएगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल तो अभी अभी ऐड हुई है तो भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो होते ही हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस डेट में जो था वही कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9। चार स्टेटमेंट्स हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल, ही रिसीव्स सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट मे डिटरमाइन, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट, ही डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो देखो,
गवर्नमेंट सर्वेंट की कैटेगरी में अटॉर्नी जनरल नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल कैबिनेट का मेंबर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के रिमूवल का कोई ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट तीनों करेक्ट हैं। इनकरेक्ट पूछा है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यहां लिखा हुआ है कि ही रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन, पार्लियामेंट नहीं दोस्तों, प्रेसिडेंट, एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। प्रेसिडेंट डिटरमाइन करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को क्या सैलरी अलाउंस दी जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 10, द चार्ज्ड एक्सपेंडिचर इन द यूनियन बजट इंक्लूड। देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, मंथली खर्चा जो होता है उसे हम चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं कि भैया ये तो देना ही देना है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा। सैलरी एंड अलावेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी चार्ज एक्सपेंडिचर है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सुप्रीम कोर्ट का, ये भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है। सैलरी पेंशन अलाउंस ऑफ यूपीएससी चेयरमैन सीएजी, ये भी चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है, तीनों के तीनों। सो करेक्ट आंसर होगा इसका टी। ओके, ऐसे जो भी चार्जेस एक्सपेंडिचर जो नॉन वोटेबल होते हैं उन्हें चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती, इसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। ओके, ये पैसे तब भी दिए जाते हैं जब बजट पास नहीं होता, क्योंकि ये तो आपका खर्चा है ना, आप सैलरी तो दोगे भाई, आपके घर में दूध वाले को आप पैसे दोगे ना, ये थोड़ी देखोगे कि मेरा धंधा इस महीने नहीं चला, मुझे कमाई नहीं हुई, तो मैं दूध वाले को पैसा नहीं दूंगा। उसको तो उसके पैसे चाहिए, या तो आप दूध लेना बंद कर दो, है ना, तो वो वाली बात है। सो करेक्ट आंसर इज डी। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।